Hi everyone, my name is Kaval Singh and I'm a youth activist and columnist from Jammu and Kashmir. Today is 5th August 2020. और जैसा आप लोग जानते हैं कि आज ही के दिन पिछले साल आर्टिकल 370 एंड 35A was abrogated. इन्हीं दिनों में जम्मू एंड कश्मीर was under lockdown. जब पूरे देश में एक नॉर्मलसी थी, the erstwhile state of Jammu and Kashmir was in commotion. Internet services were suspended. Landline and cellular services were also suspended. Section 144 was imposed across the state of Jammu and Kashmir. Even landline services were suspended. Media was not allowed to do any ground coverage. Even the satellite and cable TV networks were suspended. लोगों को ये तक नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है. कहीं ने सोचा शायद इंडिया इज गोइंग वॉर विद पाकिस्तान. Some thought that Indian army is planning to attack on POJK. And some even contemplated Article 370 and 35 is about to get abrogated. The next morning, from the floor of the parliament, Home Minister Amit Shah announced that Article 370 and 35A is abrogated. इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया गया और ये भी कहा गया कि अब जम्मू एंड कश्मीर की सही मायने में इंटीग्रेशन हुई है विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया. और ये भी कहा गया कि इससे जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी आएगी. पर ये कैसी डेवलपमेंट कि जिनके लिए डेवलपमेंट की जा रही है उनको पता भी नहीं, जिनके लिए प्रॉस्पेरिटी की जा रही है दे आर अंडर लॉकडाउन. और ऐसा ही हुआ. एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A के बाद भी कई महीनों तक शायद फार फ्लंग एरियाज के लोगों को पता भी नहीं था कि ये डिसीजन लिया गया. The abrogation of Article 370 and 35A was followed by a legislation, the Reorganization Bill of 2019, जिसके तहत जम्मू कश्मीर रियासत, जो एक समय में ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट मानी जाती थी, जिसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए जनरल जोरावर सिंह जैसे ग्रेट वॉरियर्स ने लद्दाख और तिब्बत की पहाड़ियों में सेक्रीफाइस किया, उसी ग्रेट जम्मू कश्मीर को बाइफर्केट कर दिया गया दो यूनियन टेरिटरीज में. इसके साथ अनाउंस किए गए कई वादे, कई प्रोमिसेस और एक विजन डॉक्यूमेंट के तहत ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अब डेवलपमेंट लाई जाएगी. जम्मू कश्मीर एक बैकवर्ड रीजन है. अब जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, रिवाइवल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाई जाएंगी, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक्सपैंड किया जाएगा. बट सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर कई पैरामीटर्स में गुजरात जैसी स्टेट से भी बेटर था. बहरहाल आज एक साल हो चुका है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A को. सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पाए हैं? क्या करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोई पहला कदम उठाया है? क्या दी आइडिया ऑफ सो कॉल्ड नया जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल रिटोरिक था? क्या आइडिया ऑफ नया जम्मू कश्मीर एक रियलिटी है? क्या आइडिया ऑफ नया जम्मू कश्मीर आज एक फार फेच्ड या डिस्टेंट ड्रीम बन के रह गया है? आज एक साल के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद हम उसके फॉलआउट्स को एड्रेस कर पाए हैं? क्या इम्पैक्ट रहा है इस टेरिटोरियल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का ऑन द लोकल यूथ एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आज इस डिबेट के तहत हम इन्हीं फॉलआउट्स को एनालाइज करेंगे. देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट द एंड मे जस्टिफाई द मींस एज लॉन्ग एज देयर इज समथिंग टू जस्टिफाई द एंड. We will not go into the political and constitutional history of Jammu and Kashmir, क्योंकि उसकी political और constitutional history को already great detail में across various national and international platforms detailed study कर चुके हैं, इस पे debates और discussion हो चुकी हैं. Jammu and Kashmir की जहां geographical diversity की बात है, Jammu and Kashmir में आपको tropical, temperate, polar and all kinds of climate मिल जाएंगे. जम्मू कश्मीर शायद एक लोती ऐसी रियासत है जहां आपको प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज और कोल्ड डेजर्ट्स भी मिलेंगे. इतनी ज्यादा वास्ट टोपोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल, एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी
क्या एक राइट डिसीजन था जम्मू कश्मीर को यूटी में दो यूटीज में बाइफ्रिकेट करने का? कई पॉलिटिशियंस ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए ग्लोरिफाइड म्युनिसिपैलिटी, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ जम्मू एंड कश्मीर को एज ए यूटी चलाना बहुत मुश्किल है। आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक सवाल उठता है कि क्या आर्टिकल 370 को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आर्टिकल 370 इज स्टिल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके उन प्रोविजन को हटाया गया है जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस और स्पेशल प्रोविजन देते हैं। यानी आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को ही यूज किया गया आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए और स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर को एंड करने के लिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द डिबेट मैंने कहा कि जब आर्टिकल 370 एंड 35A को रिमूव किया गया तो एक विजन डॉक्यूमेंट जम्मू कश्मीर के लिए निकाला गया, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपैंड करना, प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट लाना और बूस्ट करना टूरिज्म, इस जैसे बड़े वादों की बातें की गई। बट रियलिटी ये है कि प्रोलॉन्ग इंटरनेट सस्पेंशन की वजह से, लॉकडाउन क्लैंपडाउन की वजह से आज जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है दैट इज इन क्राइसिस। जम्मू कश्मीर इकोनॉमी हैज फेस्ड सीवियर लॉसेस। एज पर द रिपोर्ट्स बाय JCI एंड KCCI जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को मोर देन 50,000 करोड़ के लॉसेज हुए हैं। द वर्स्ट हिट सेक्टर्स आर टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर। जो टूरिज्म एक टाइम पे जम्मू कश्मीर का ऑन अ राइज था, आज इट हैज रीच्ड अ डेड एंड, एंड फॉर द लास्ट 12 मंथ्स नो टूरिस्ट हैज फ्लॉक्ड द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। होटल बिजनेस हैव बीन अ वर्स्ट हिट, जिसकी वजह से मेजर ले ऑफ्स हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अमरनाथ यात्रा हैज बीन सस्पेंडेड फॉर द सेकेंड टाइम, और माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी जो यात्री आते थे उनमें भी भारी गिरावट देखी। लद्दाख के होटल्स ओनर्स का ये हाल है कि पिछले 12 महीनों में एक भी होटल रेंट नहीं हुआ है और वो अपने होटल की मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे। एज पर द रिपोर्ट्स बाय इंडिया टुडे लद्दाख की इकोनॉमी के ऊपर इस वक्त 300 करोड़ का डेब्ट है एंड इट इज इन दिट्स वर्स्ट फेजेस। जहां हॉर्टिकल्चर की बात है तो हॉर्टिकल्चर used to contribute 8% of Jammu and Kashmir's GDP. Apple industry का जहां तक सवाल है, Apple industry ने more than 2,000 करोड़ के losses incur किए हैं, and it is on the downfall. Jammu और कश्मीर की economy आपस में integrated थी, ये अलग नहीं देख सकते। Traders have been affected, transporters have been affected, other business houses have been affected because of the frequent lockdown, clampdown and internet suspension. इससे पहले भी सर्कमस्टांसेस काफी सवेर रहे हैं पर जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी इतनी सवेरली इफेक्टेड कभी नहीं हुई। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को 178.18 बिलियन रुपीस के लॉसेस इनकर हुए हैं एंड मोर देन 90,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इन हॉर्टिकल्चर, इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन टूरिज्म इंडस्ट्री एंड अदर एलाइड सेक्टर्स। बिल गेट्स का एक कोट है, if your business is not on internet, if your business is not on internet, then your business is out of business. ये कोट बहुत सही बैठता है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि पिछले 12 महीने से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सस्पेंडेड है। 4G इंटरनेट सर्विसेज आर बीइंग सस्पेंडेड फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, और बिगिनिंग में 2G इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंडेड थे। इस वजह से बिगिनिंग स्टार्टअप्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज, ई कॉमर्सेज हैव बीन अ मेजर हिट। सूरत हाल इतना खराब था कि बहुत सारी ई कॉमर्सेज को तो बैड लोन्स भी फेस करने पड़ गए। जब ऑनलाइन बिडिंग की गई जेलम के रिवर बेड से माइनिंग या सैंड की एक्सट्रैक्शन की, तो कश्मीर से और जम्मू से बिजनेस हाउसेज एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अप्लाई ही नहीं कर पाए ऑनलाइन बिडिंग में, और सारी बिडिंग आउटसाइडर्स को चली गई। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर प्लस एजुकेशन सेक्टर हैज बीन अ मेजर हिट बिकॉज ऑफ द 4G इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंशन। हालत इतनी खराब थी कि COVID-19 की वजह से जहां गवर्नमेंट कह रही है वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, हेल्थ केयर फ्रॉम होम, जम्मू कश्मीर में एट 2G इंटरनेट सर्विसेज ये सब पॉसिबल नहीं था। इंफॉर्मेशन आउटरीच की हालत ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स बिगिनिंग में फिल ही नहीं कर पाए,
और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एग्जामिनेशन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। 2G इंटरनेट सर्विसेज और 4G इंटरनेट सर्विसेज की सस्पेंशन की वजह से स्टडीज पे बहुत सिवियर इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा जब अनाउंसमेंट किया गया था पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की गई। जम्मू एंड कश्मीर में मोर देन 20-30 लाख यूथ पॉपुलेशन है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी ऑन द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन कि ये हमारे लिए बेटर फ्यूचर और एवेन्यूज लाएंगे, बट टुडे दे आर इन ए स्टेट ऑफ डिसकंसर्टमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रोगेट किया गया, उससे पहले जून 2019 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 15.89%, बट आफ्टर वन ईयर, और अगर आप इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंपेयर करो विद अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया तो ये काफी कम था, बट आफ्टर वन ईयर ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अ जनरेशन हैज बीन लेफ्ट अनएम्प्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि एक भी जॉब वैकेंसी फिल नहीं हुई है इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा ऑलरेडी जो एडवर्टाइज पोस्ट थी या ऑन गोइंग एग्जामिनेशन प्रोसेस थे, उनको विद्रॉ कर दिया गया, उनको रोल बैक कर दिया गया। पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए, फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सत्यपाल मलिक ने एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज अनाउंस किया 50,000 जॉब्स का, बट वो पैकेज वॉज मेयर पॉलिटिकल जुम्मे, क्योंकि आज तक 50,000 जॉब्स में से एक भी जॉब ना एडवर्टाइज हुई ना इस एम्प्लॉयमेंट पैकेज की तरफ कुछ काम किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के रियासत के बच्चों को जो 80 और 89 के पीरियड में बॉर्न हुए थे, यूपीएससी और सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में उनको यूपीएससी एज रिलैक्सेशन दिया जाता था 5 साल का। ये टाइम पीरियड का जो रिलैक्सेशन था वो इसलिए दिया जाता था कि जो 80 और 89 का कॉन्फ्लिक्ट का दौर था जम्मू कश्मीर का, उसको कंपनसेट करने के लिए। और उस कंपनसेशन की वजह से जिन भी बच्चों ने की फैमिलीज और उन बच्चों ने फोर्स्ड माइग्रेशन या पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखा है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन की वजह से बेटर इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता था सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन पे, पर यूपीएससी जैसे इम्तिहानों में भी वो एज रिलैक्सेशन स्क्रैप कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर बोला जाए, द मोर यू आर क्वालिफाइड द बेटर आर योर चांसेस ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड इज अ रियलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है, और सूरत हाल ये है कि इन द रिसेंटली एडवर्टाइज पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट इन टू फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज, उसमें ग्रेजुएट्स और पीजीज को बार कर दिया गया। एज पर ए रिसेंट सर्वे, जम्मू कश्मीर में मोर देन 3 लाख स्कॉलर्स पीजी स्कॉलर्स आर अनएम्प्लॉयड, और उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, और इनमें से बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं आर इन दी फैग एंड ऑफ देयर एज 28-32 एंड दे आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। आज जम्मू कश्मीर का यूथ इज इन ए स्टेट ऑफ डिसकंसर्टमेंट एंड डिस्पोंडेंसी। सोचने वाली बात यह है कि जहां यूथ इतनी क्राइसिस में है, वहां सेंटर की तरफ से कोई रोड मैप, कोई फ्यूचर पॉलिसी यूथ के लिए अभी तक देखने को नहीं मिली। द वर्स्ट हिट वॉज द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, लेह एंड कारगिल, जो आज नई यूटी के अंडर आता है लद्दाख। वहां पिछले कुछ दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन देखने को मिला ऑन द इश्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। माना जाए तो लद्दाख हैज बीन लेफ्ट आउट इन कोल्ड, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग अंडर स्टाफ्ड, वहाँ कोई ना रिक्रूटमेंट बॉडी है ना उनका कोई ऑफिशियल बैंक है, और बहुत सारे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं दे आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग अंडर द डोमिसाइल लॉ, न्यू डोमिसाइल लॉ ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख में उनको लग रहा है बहुत लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन और जो वहाँ की सिचुएशन रहती है। लद्दाख में मोर देन 600 अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं जिनके लिए कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी नहीं है। लद्दाख का एरिया जम्मू कश्मीर के एरिए से ट्वाइस है और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ टचिंग 3 लाख है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी अप्रोच लेकर आए, जिसमें लद्दाख को ये ना फील हो कि वी आर लेफ्ट आउट एंड वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ लॉलेस स्टेट। कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू ने रिजेंटमेंट शो किया हो या जम्मू इन ए फेज ऑफ या इन ए मोड ऑफ एजुटेशन रहा हो।
पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए जम्मू ने काफी सपोर्ट किया करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को ऑन ग्राउंड्स कि उनको लगा कि यहाँ तरक्की और डेवलपमेंट आएगी. बट टुडे जम्मू रीजन हैज़ आल्सो हिट रोड्स इन प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस इन जम्मू एंड कश्मीर. इंडस्ट्रीज को बहुत लॉस हुआ है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज़ बीन अ मेजर हिट. ट्रेडर एसोसिएशन नाराज है. और रिसेंटली जो अनअबेटेड टोल प्लाजा जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल किए गए हैं उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी नाराज किया है. और पिछले कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर की आवाम लखनपुर टोल प्लाजा में प्रोटेस्ट कर रही है. पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए ये इनएविटेबल था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस यहाँ लागू होंगी और यहाँ पर टोल प्लाजा इंस्टॉल किए जाएंगे. बट क्या गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि जिस पॉपुलेशन जो लास्ट 12 महीने में जिस अर्स्टवाइल स्टेट की इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में है जहां इंडस्ट्रीज जो है लॉसेज इनकर कर रही हैं वहां सडन इम्पोजिशन ऑफ टोल प्लाजाज एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देगा. क्या टोल प्लाजाज को विद फेज्ड मैनर नहीं लाया जा सकता था 5 या 10 साल के टारगेट्स के साथ? क्या टोल प्लाजाज को रिबेट्स और कंसेशंस के साथ नहीं लाया जा सकता था? क्योंकि इसने अननेसेसरी बर्डन डाल दिया है दी ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशन ऑफ जम्मू रीजन. और आज जम्मू रीजन है वो एजिटेशन कर रहा है. मोर ओवर पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए ये भी देखा गया कि जितना नया पॉलिसी फ्रेमवर्क है वहां कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया जा रहा है ग्राउंड रियलिटी को. इसकी क्लासिकल एग्जांपल है द इश्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्विस मैटर्स टू कैट. सेंट्रल गवर्नमेंट ये तक अप्रिशिएट नहीं कर पाई कि एक सर्विस एम्प्लॉय जो फारफ्लंग एरियाज ऑफ पुंछ और लद्दाख में रह रहा है हाउ यू विल ड्राइव डाउन टू ए सर्किट बेंच इन जम्मू और टू चंडीगढ़ कैट बेंच जो ऑलरेडी प्लेग्ड है बर्डन है उसके ऊपर बहुत सारे सर्विस केसेस का. वो तक अप्रिशिएट नहीं कर पाई कि कितना डिफिकल्ट होगा फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ 32,000 पेंडिंग केसेस ऑफ सर्विस डिस्प्यूट्स इन जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट. फाइनली आफ्टर ह्यूज पब्लिक रिजेंटमेंट और जब हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिकमेंडेशंस दी तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर को रोल बैक किया और उसको अमेंड करके जम्मू एंड कश्मीर को 18th सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कैट बेंच दिया गया. द सेम हैपेंड विद द डोमेसाइल लॉ एंड एनी अदर पॉलिसी. या तो वो पॉलिसी रिजेंटमेंट के बाद विदड्रॉ कर दी गई या उसमें अमेंडमेंट लाया गया. जब नई डोमेसाइल पॉलिसी एडवर्टाइज की गई 31 मार्च को वो हिस्टोरिकल था और एक इंस्टीट्यूशनल और फंडामेंटल स्टेप था इस हद तक कि उसने 70 साल की जो स्ट्रगल थी वाल्मीकि वेस्ट पार्क रिफ्यूजीज एंड आपकी गोरखा कम्युनिटीज की उसकी स्ट्रगल को एक्नॉलेज किया. इन सभी समाजों की स्ट्रगल को एक्नॉलेज करके जिनको पहले ये यहाँ तक कहा जा सकता है कि ये एक पॉलिटिकल फेलियर था हमारी रियासत का कि पिछले 70 सालों में ऑल दीज थ्री कम्युनिटीज वर डिवाइड ऑफ लैंड एंड जॉब राइट्स. इनके बच्चों को ना लैंड राइट्स थे ना जॉब राइट्स थे. पर डोमिसाइल लॉ आने के बाद इनको ये राइट्स एक्सटेंड किए गए. पर डोमिसाइल लॉ के साथ एक डिबेट और इग्नाइट हो गई. That is the safeguard of lands, land and job rights for the local people of Jammu and Kashmir. और ये debate काफी fundamental और important है. Jammu and Kashmir की अगर आप resources या environment देखें वो ecologically बहुत sensitive है. Land resources भी बहुत constrained है. Job avenues भी limited हैं government sector तक. Private sector यहाँ flourishing नहीं है because of the prevailing situation. जहाँ हरियाणा जैसी स्टेट ऑर्डिनेंस मूव कर रही है ना केवल गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब रिजर्व करने के लिए पर 70% ऑफ द जॉब्स इन दी प्राइवेट सेक्टर. तो जम्मू कश्मीर को भी लगा कि हमारे यहाँ की जॉब्स और लैंड्स फॉर द लोकल एट पार विद दी डोमिसाइल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश. हमें भी हमारी जॉब्स और लैंड जो है प्रोटेक्ट किया जाए. तो उस डिबेट को एक नया पर्सपेक्टिव मिला और लोगों ने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया कि लोकल्स की जो लैंड और जॉब राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. इसने एक और डिबेट को जन्म दिया पीआरसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के ऊपर. पीआरसी एक्ट ऑफ 1927 हैज नथिंग टू डू विद आर्टिकल 370 एंड 35 ए. उल्टा 35 ए जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरह की रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ आर्टिकल ऑफ पीआरसी एक्ट ऑफ 1927 उसमें पीआरसी एक्ट को भी अमेंड किया गया. अगर सरकार चाहती तो 103 सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को यूज करके पीआरसी को रीइंस्टेट कर सकती थी. जिसकी वजह से क्या हुआ कि ड्यूरिंग अ पैंडेमिक सिचुएशन 1.25 करोड़ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर को फोर्स किया गया कि आप तहसीलदार के ऑफिस में जाएं और वहां अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएं. जबकि बाय क्लियर कट ऑर्डर पीआरसी सर्टिफिकेट्स को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता था विद द डोमिसाइल सर्टिफिकेट.
but it resulted in a crisis in Broglie and Quagmire. Moreover, पिछले दिनों में देखा गया है जम्मू एंड कश्मीर में कई जगहों से इलीगल माइनिंग, इलीगल फॉरेस्ट कटिंग की रिपोर्ट्स देखी गई हैं। तो लोकल पब्लिक को ये भी कंसर्न है कि यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर को अभी टाइम लगेगा क्योंकि सिचुएशन एंड एनवायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है। फॉर द लास्ट 12 मंथ्स देयर हैव बीन फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स ऑफ सीज़फायर वायोलेशन अक्रॉस द LOC, जिसमें काफी इनोसेंट लोगों ने और आर्मी पर्सनल्स ने अपनी जानें खोई हैं। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने में जम्मू कश्मीर में अभी टाइम लगेगा क्योंकि आपके पास यहाँ ना रॉ मटेरियल है, ना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है और यहाँ की इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि आप इमीडिएटली ना प्राइवेट सेक्टर ला सकते हैं, ना आपके पास स्किल्ड पॉपुलेशन है और ना उसका बेनिफिट डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सटेंड होगा। तो इसलिए राइट नाउ जम्मू कश्मीर की जॉब्स और उसकी लैंड्स को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इन सभी माउंटिंग सेट ऑफ फेलियर्स की वजह से देयर वाज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द स्टेट एंड इट्स पीपल। करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का ये एम होना चाहिए कि इस ब्रिज को, इस गैप को, जो गैप स्टेट और उसके लोगों में है, उसको ब्रिज किया जाए। जो आइडिया ऑफ सो कॉल्ड नया जम्मू एंड कश्मीर है और इंटीग्रेशन की बात कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट की, लोकल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट की बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं नई पॉलिसी फ्रेमवर्क में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपकी कोई भी डेमोक्रेसी इफेक्टिव तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो यहां डेमोक्रेटिक राइट्स को रीइंस्टेट करना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल प्रोसेस को रिज्यूम करना यहां बहुत जरूरी है। वाइल एक्सचेंजिंग द आइडिया विद द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अ सिग्नेचर कैंपेन व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली टू एड्रेस द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द जॉब क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर, आई नेवर थॉट दैट वन डे आई विल बी राइटिंग एंड लिविंग माई ओन हिस्ट्री dwindling between vast possibilities of a so-called Naya Jammu and Kashmir and promise of a better future, I wonder, is it time to celebrate when the people are in crisis, when the people of Jammu and Kashmir and the entire region are showing resentment, or it is the time to acknowledge the ground reality and address the wider issues born out of the sudden change in the administrative structure of Jammu and Kashmir. It's time for the central government to realize that what the people of Jammu and Kashmir want. I request the current political dispensation that stop ignoring the state of Jammu and Kashmir. You cannot integrate Jammu and Kashmir only on people, only on paper. You cannot integrate Jammu and Kashmir only on paper.